Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to share with you a very interesting and a great combination chicken recipe, that is coconut malai chicken. So do try my recipe this Sunday, and if you like my video, do like my channel, subscribe my channel, press bell icon and share my video with your friends and family. यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन को दही और नमक के साथ मैरिनेट करके रात भर रख दिया था, इससे ही चिकन सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक मसाला बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक को चॉप करके, 1 स्पून हमने पोस्ता दाना खसखस, और यहाँ पे नारियल लिया है, इसके मैंने ब्लैक पोर्शन को रिमूव कर लिया और इसे इसलिए छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काजू लिए हैं 7-8, जीरा 1/2 टेबल स्पून, 1 स्पून मैंने लिया है सौंफ, और 1 स्पून हमने लिया है साबुत धनिया, 1 इंच मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, जायत्री और एक सूखी लाल मिर्च। इन सबको हम रोस्ट करेंगे। सबसे पहले सारे स्पाइसेस, अदरक लहसुन और नारियल के टुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे और इन्हें रोस्ट करेंगे। और जो खसखस है वो हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि खसखस जल ना जाए इसलिए हम इन्हें थोड़े कम टाइम के लिए ही भुनेंगे। इसमें से जैसे ही खुशबू आने लगे, मतलब ये भून गए, तब हम इसमें पोस्ता दाना जो खसखस है वो हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। और अब हम चिकन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम देसी घी डाल देंगे और फिर हम इसमें, यहाँ पर मैंने 1 प्याज को पेस्ट बना लिया था वो हम डाल देंगे और इसे भुनेंगे। इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक ये अच्छे से ट्रांसलूसेंट, मतलब भूरा ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे इसकी कुकिंग की स्पीड जो है इनिशिएट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा आपका। और फिर हम इसमें मैरिनेट किए हुए जो चिकन के पीसेस है सिर्फ उन्हीं को डालेंगे, और दही जो है वो एक्स्ट्रा जो दही है वो हम रख देंगे अलग से। और अब हम चिकन को 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ताकि चिकन के जो जूसेस हैं वो इसमें इंटैक्ट हो जाए। और अब हम ब्लेंडर जार में जो स्पाइसेस हमने भून के रखे थे वो हम डाल देंगे, और जो दही मैरिनेशन की जो हमारी बच गई थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम ब्लेंड करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने ग्रेवी के लिए पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है। और 5 मिनट तक हमने चिकन को फ्राई कर लिया था हाई फ्लेम में, और अब हम इसमें जो पेस्ट हमने प्रिपेयर किया है वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पे हम इतना पानी डालेंगे जिसमें ये चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए, तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास तक पानी डाला है। और अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है तो आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लें और उस हिसाब से डालें। और 1/2 घंटे के लिए हम इसे पकने देंगे, लो फ्लेम में ढक के इसे हम पकने देंगे। 1/2 घंटे बाद ये हमारा ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसको हम फाइनल टच देंगे, इसमें हम डालेंगे मलाई जो इस रेसिपी का एक पार्ट है। तो ये हमारा फाइनल एक टच हमने इसको दे दिया है। तो ये हमारी कोकोनट मलाई चिकन रेडी हो गई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं संडे को, आप राइस के साथ इसे ले सकते हो, रोटी पराठा के साथ ले सकते हो। और अगर मेरी वीडियो को पसंद आया आपको, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।